प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सोजत स्थित गुरु फूलनारायण आश्रम में गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 17 जुलाई से आरंभ होने वाले इस महामहोत्सव का आगाज विशेष रूप से पूजा अर्चना के साथ में एकादशी के अवसर पर होगा और ये पूर्णिमा पर्यंत 21 जुलाई तक चलेगा। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और इस महामहोत्सव का अंतिम दिन भी खूब आनंद ठाट से श्रीमाली ब्राह्मण समाज के देश ही नहीं पूरी दुनिया से भक्तगण यहाँ आएंगे और विशेष करके सभी समाज बंधुओं का समागम भी होगा। क्या खास इस पंच दिवसीय महामहोत्सव में होगा और लुंडावास स्थित बुढ़ायत माता के मंदिर में इस बार क्या खास महामहोत्सव होने जा रहा है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। गुरु फूल नारायण जी का स्थान वह स्थान है जो तपस्या स्थली है फूल नारायण जी की, नारायण स्वामी की, और यह सिद्ध स्थान है, तपो स्थान है। इसीलिए यहाँ हजारों लाखों लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं और इस सिद्ध स्थान के दर्शन करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर पंच दिवसीय महा आयोजन होता है और इस पंच दिवसीय आयोजन में विभिन्न पूजा अर्चना के दौर चलते हैं और शिवाभिषेक भी होता है और मंगलाचरण भी होता है और वेदों की ध्वनियाँ गूंजती हैं इस स्थान पर, गौ रमण करती हैं इस स्थान पर, तपोभूमि है फूल नारायण जी की। यह सिद्ध स्थान देश और दुनिया में बसे समस्त श्रीमाली ब्राह्मण समाज के गुरु फूल नारायण की तपोस्थली है और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजन होते हैं और क्या ठाट बाट से यहाँ पर वेदोच्चारण के साथ में, मंगलाचरण के साथ में, शांति पाठ के साथ में और शिव अभिषेक के साथ में, बुढ़ायत माता के पूजा अर्चना के साथ में, यहाँ पर महाभिषेक के साथ में विशेष महोत्सव होता है प्रतिवर्ष, और किस ठाट बाट से यहाँ पर सब अपनी अपनी सेवाएं देते हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु फूल नारायण जी का गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव 17 जुलाई से 21 जुलाई तक धूमधाम से मनाया जाएगा सोजत स्थित आश्रम में, और यहाँ से विशेष रूप से जो महामहोत्सव पंच दिवसीय होता है उसमें विशेष करके बुढ़ायत माता की पूजा अर्चना होती है लुंडावास में, और यहाँ दो दिवसीय जो महामहोत्सव होता है इस बार गुरु फूल नारायण जी की प्रतिमा का अनावरण भी होगा और खूब ठाट बाट से श्रीमाली समाज के देश ही नहीं पूरी दुनिया से भक्तगण आएंगे और समाज के अलावा भी गुरु फूल नारायण जी को अपने गुरु रूप में मानने वाले जो भक्त हैं वो इस महोत्सव में भाग लेंगे। सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं अंतिम चरण देने के लिए कि कहीं कोई कमी न रह जाए। इन तैयारियों में 5 दिवसीय महामहोत्सव एकादशी से आरंभ होगा और पूर्णिमा पर्यंत तक चलेगा। सभी के मन में एक अपार उत्साह होता है कि हम गुरुद्वारा फूल नारायण जी के आश्रम में जाएं और वहां हमारी तरफ से तन मन धन से कुछ न कुछ सेवा करें। इसी महामहोत्सव में सभी का मिलन भी होता है और खूब ठाट बाट के साथ में यहाँ आनंद ही आनंद 5 दिवस तक सबको मिलेगा। क्या खास महोत्सव हो रहा है और क्या तैयारी हुई है, क्या कह रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष न्यास के और क्या कह रहे हैं पदाधिकारी,
किस तरह से तैयारी हो रही है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। भारतीय गुरुद्वारा श्री फूल नारायण महाराज का ये आश्रम विश्व विख्यात है। ये एकमात्र स्थान है जहाँ पर हम सभी शिमाली बंधुओं का 5 दिवसीय समागम होता है और बहुत ही जोरदार उत्सव होता है। आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस आश्रम में इस अवसर पर पधारें। 11 से लेकर पूर्णिमा तक बहुत ही शानदार महादेव के अभिषेक, गुरु की समाधि का अभिषेक और प्रसादी का आनंद लेने के लिए आप सब पधारें। यहाँ बहुत ही अच्छी गौशाला है, चारों तरफ बहुत ही अच्छी हरियाली है, आप आनंद लें। आपसे निवेदन है कि सपरिवार पधार कर आप इस आश्रम की शोभा बढ़ाएं और इस गुरुद्वारे में पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय गुरुदेव। प्रथम निमंत्रण आपने लंबोदर गजराज रिद्धि सिद्धि सहित पदार्थ जो पूरण कर जो काज। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे इस गुरुद्वारे की ये पर्चा वाली बावड़ी है, यहाँ हमारे गुरुदेव ने जो प्रसादी के समय घी कम पड़ गया तो यहाँ के जल से चौरी भर के ले गए और वो जल घी में परिवर्तित हो गया। आप सभी इस पंचदिवसीय कार्यक्रम में 17 से 21 जुलाई तक में पधारें और यहाँ की शोभा बढ़ाएं। 17 जुलाई एकादशी से शुरू होने वाले गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की तैयारियां व्यापक रूप से हुई हैं इस बार और पूरे आश्रम को लगभग सजाया गया है, कहीं कोई कमी न रखी इस बार। और सभी जो भक्तगण आएंगे, समाजजन आएंगे, बहुत ही आह्लादित होंगे, उमंगित होंगे। आश्रम सोजत जिला पाली समस्त श्रीमाली समाज के बंधुओं को सादर पगे लागना। हर वर्ष की बातें इस वर्ष भी दिनांक 17 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 24 तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ावा। गुरु पूर्णनारायण आश्रम में गौशाला का निर्माण भी हुआ है, यहाँ पर हजारों गायें हैं और सभी तन मन धन से सहयोग करते हैं। नमन करते हुए माँ गुड़ैत के चरणों में नमन करते हुए आपको ये जानकारी देती हूँ कि यहाँ जो ये वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष पे गुरु जी बैठ के तपस्या क्या करते हैं और इन पेड़ की जड़ों के आकार में गुरु जी के पांव के आकार में जड़ें निकली हुई हैं। और आगामी पंचदिवसीय कार्यक्रम जो 17 से 21 जुलाई को शुरू हो रहा है उसमें महिला मंडल द्वारा 19 तारीख को विशेष कार्यक्रम रखा गया है, उसमें मेहंदी रंगोली और श्लोक प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। आप सभी पधार। जय श्री कृष्ण। मैं शिमली महिला मंडल अध्यक्ष नीता व्यास आप सभी का आश्रम परिसर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि बताया गया है कि 17 से 21 तारीख तक आश्रम में पंचदिवसीय प्रोग्राम रखा गया है। आशा करती हूँ आप सभी से ज़्यादा संख्या में पधार कर आश्रम की शोभा बढ़ाएं और इस गुरुद्वारे में पधार कर प्रसादी का आनंद लें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आश्रम में अपना सहयोग करें। जय श्री कृष्ण। देश और दुनिया में यूँ तो कई आश्रम होते हैं लेकिन गुरु फूल नारायण जी का यह आश्रम बहुत ही चमत्कारित हैं और विशेष रूप से जो यहाँ पर आता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। यहाँ गुरु फूल नारायण जी ने जीवित समाधि ली। मैं सुंदर कुमार व्यास सचिव श्री गुरु फूल नारायण व्यास मैं आप सभी से पंचदिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आश्रम पधारने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये श्री गुरु फूल नारायण जी महाराज की तपोभूमि है, यहाँ पर श्री गुरु फूल नारायण जी ने जीवित समाधि ली थी और यहाँ पर जो है पूरे वर्ष अपने देश विदेश से समाज के बंधु दर्शन करने के लिए आते हैं। आप सभी भी ये पुण्य आश्रम में पधार करके प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। ये गुरु पूर्णिमा भगवान की जीवित समाधि है, उसको नमन करते हुए इधर ये माता जी मुड़ाई माता जी को नमन करते हुए यहाँ पर जो पंचदिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता है श्रीमाली समाज का, यहाँ पर बाहर से काफ़ी लोग श्रीमाली लोग बाहर बाहर से आते हैं। ये एक बहुत बड़ा महाकुंभ की तरह ही प्रोग्राम होता है। यहाँ पे श्रीमाली महिला मंडल के द्वारा भी इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरह से मनाया जाता है और महिला मंडल का वो सहयोग है। आप सभी पदार्थ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए।
श्री गुरु फूलनारायण आश्रम न्यास द्वारा संचालित गौशाला आश्रम में संचालित है, जो लंबे समय से यहाँ चल रही है। ये श्रीमाली समाज की एकमात्र गौशाला है। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक गायें हैं, छोटे बछड़े हैं, और इनके लिए गुरु पूर्णान आश्रम न्यास ने चारा रखने की और गायों के लिए छाया की व्यवस्था कर रखी। यूँ तो भक्ति के पथ पर कोई धर्म, समाज, जाति, वर्ग और वर्ण नहीं होता, लेकिन विशेष करके यह गुरुद्वारा है श्रीमाली ब्राह्मण समाज का, और यहाँ हजारों की संख्या में श्रीमाली समाज जन आते हैं वर्ष में एक बार, और खूब आनंद करते हैं। मिलन भी होता है, सम्मेलन भी होता है और सम्मान भी।